राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। गहलोत सरकार कक्षा 1 से 9 तक की कक्षाओं को बंद करने का दिया है आदेश। राजस्थान में हुई है नई गाइडलाइन जारी। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए गहलोत सरकार ने रविवार देर शाम नई गाइडलाइन जारी की, जिसके मुताबिक विवाह संबंधी समारोह में भाग लेने वाले मेहमानों की संख्या घटाई गई है। अब सिर्फ 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 200 मेहमानों को शामिल होने की अनुमति दी गई थी। वही कक्षा 1 से 9 तक की कक्षाएं राजस्थान में बंद रहेगी। इस संबंध में राजस्थान गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। वही जिला मजिस्ट्रेट स्थिति के आधार पर रात्रिकालीन कर्फ्यू के बारे में निर्णय लेंगे। सिनेमा हॉल, थिएटर और मनोरंजन पार्क फिलहाल राजस्थान में बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल और जिम खोलने की भी यहां पर अनुमति राजस्थान के अंदर रही है। वहीं से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 1-2 दिनों में नई गाइडलाइन जारी करेंगे। इसमें अगले 15 दिनों के लिए निर्णय लिए जाएंगे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शनिवार रात विशेषज्ञ और चिकित्सकों और अफसरों के साथ यहाँ पर लाइव समीक्षा की। वही बैठक में सीएम ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई और प्रदेश में सख्ती बढ़ाने के आदेश यहाँ पर दिए है। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सख्त कदम उठाया जाना जरूरी है। वही इसके बारे में बाद में यहाँ पर सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिया। हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में प्रवेश करने वाले लोगों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। वही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस संबंध में यहाँ पर आदेश जारी कर दिया है। निर्देश यहाँ पर जारी कर दिया है। बॉर्डर पर यहाँ पर सख्ती शुरू हो गई है। हरियाणा बॉर्डर पर 72 घंटे की पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। इसके बगैर राजस्थान में एंट्री नहीं मिलेगी। वही बाहरी वाहनों की जाँच यहाँ पर शुरू हो गई है। बिना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जाएगा। वही भारी और मालवाहक वाहनों को राजस्थान में एंट्री दी जा रही है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एनपीएस को छोड़कर पुरानी पेंशन स्कीम का ले सकते हैं फायदा। केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। सरकारी कर्मचारी अब एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को छोड़कर पेंशन यहां पर पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस का फायदा वो 31 मई 2021 तक ले सकते हैं। वही डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर ने ये जानकारी यहाँ पर दी है एक नोटिफिकेशन के जरिए। वही सरकार ने कहा है कि जो भी कर्मचारी इसका फायदा लेना चाहता है 5 मई तक आवेदन कर सकता है। जो कर्मचारी आवेदन नहीं करेगा उन्हें नेशनल पेंशन सिस्टम का फायदा मिलता रहेगा। जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से 28 अक्टूबर 2009 के बीच नियुक्त किए गए हैं उनको CSS पेंशन के तहत ही पेंशन का लाभ यहाँ पर मिलेगा। वही इस फैसले पर एक्सपर्टों का क्या कहना है कि एक्सपर्टों के मुताबिक पुरानी पेंशन स्कीम एनपीएस से ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि पुरानी स्कीम में रिटायरमेंट के बाद पेंशन के साथ ही उनके परिवार वालों को भी यहाँ पर परिवार वालों की भी सिक्योरिटी यहाँ पर इसके अंदर मिलती है। वही पुरानी पेंशन योजना का फायदा उन्हीं केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा जो रेलवे स्टेशन यहाँ पर रेलवे पेंशन रूल्स यानी CSS पेंशन रूल्स 1972 के तहत राज्य सरकार के किसी विभाग या फिर स्वायत्त संस्थाओं में 1 जनवरी 2004 से पहले नियुक्त किए गए थे। इसके बाद अगर उन्हें राज्य सरकार के पेंशनभोगी विभाग की नौकरी से इस्तीफा देकर केंद्र सरकार के पेंशनभोगी विभाग या फिर केंद्रीय स्वायत्त संस्था में नियुक्त नियुक्ति हासिल की हो, ये सिस्टम यहाँ पर ये बताया गया है। भाई नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें 18 से 60 साल की उम्र के लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। सभी सरकारी और निजी बैंकों में अकाउंट यहाँ पर खोल सकते हैं इसके लिए। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो अगर बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो सरकारी वेबसाइट पर अपलोड होगा आपका नाम। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए परिवहन विभाग ने और भी कड़े नियम यहाँ पर बनाने का फैसला लिया है। परिवहन विभाग के नए नियमों के मुताबिक अगर कोई वाहन चालक बार बार यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ अगर पाया जाता है तो राज्य का परिवहन विभाग उसका नाम सरकारी वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के नियमों में ये बदलाव किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यातायात के नए नियमों के मुताबिक नशे में गाड़ी चलाना, तेज गति से वाहन चलाना, खतरनाक ड्राइविंग करना और हेलमेट नहीं पहनने पर ये कदम यहाँ पर उठाया जा सकता है। वही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक नियमों का सही तरीके से पालन करने मतलब जो ट्रैफिक के जो नियम होते हैं उसका सही रूप से यहाँ पर पालन कराने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर नेम एंड सेम नेम का एक यहाँ पर अनुभाग बनाया जा रहा है, जहाँ पर ऐसे लोगों का नाम डाला जाएगा जो बार बार यहाँ पर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। ऐसे लोग न केवल अपनी जिंदगी को यहाँ पर जोखिम में डालते बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी यहाँ पर खतरा बनते हैं। हालांकि ऐसे लोगों का नाम तभी पोर्टल पर डाला जाएगा जब उनका जो ड्राइविंग लाइसेंस है अयोग्य होने के 1 महीने बाद भी इस संबंध में उसकी तरफ से यहाँ पर कोई भी यहाँ पर अपील नहीं की हो तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस अपने आप निरस्त कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के पोर्टल पर जिस भी वाहन चालक का नाम डाला जाएगा उसका प्रिंट लिया जा सकता है और उसकी जो जानकारी है वो आगे शेयर की जा सकती है।
बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो महाराष्ट्र में नहीं लगेगा लॉकडाउन। सरकार ने कठोर नाइट कर्फ्यू का किया है ऐलान। महाराष्ट्र के अंदर लगातार कोरोना संक्रमण के मामले यहां पर बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर यहां पर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। वहीं सरकार ने पूरे महाराष्ट्र में कठोर नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसमें रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही शाम के समय एक साथ 4 लोग खड़े होने पर भी रोक यहां पर लगा दी गई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से बिगड़ते हालातों पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट की जो एक बैठक यहां पर महाराष्ट्र के अंदर बुलाई गई थी, जिसमें सरकार ने यह फैसला लिया है कि राज्य में लॉकडाउन की जगह कठोर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कड़ाई जो ये कठोर नियम है वो यहाँ पर 30 अप्रैल तक के लिए जारी, मतलब ये नियम जारी किए जाएंगे वो 30 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वही महाराष्ट्र के मंत्री ने असलम शेख ने बताया है कि पूरे राज्य में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही बाहर निकलने की अनुमति होगी। वही रेस्टोरेंट सिर्फ पार्सल और पैकिंग सिस्टम तक ही खुलेंगे। वही कई रेस्टोरेंट कोई भी व्यक्ति यहां पर रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर खाना नहीं खा सकेगा। वही उन्होंने कहा है कि सरकार ने यह फैसला किया है कि सभी कार्यालयों को बंद कर वर्क फ्रॉम होम सिस्टम को अपनाया जाए। वही जल्द ही सरकार इस विषय में SOP यहां पर जारी करेगी। वही मुंबई में कोरोना विस्फोट को देखते हुए सरकार ने पहले ही पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं लगाया हो, लेकिन सरकार ने मॉल जैसी जगहों पर जाने के लिए कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं, सरकार ने पुणे में गंभीर हालातों को देखते हुए आंशिक लॉकडाउन लगा दिया है। इसके अलावा मॉल, पार्क और धार्मिक स्थलों को बंद रखने की बात कही है। वहीं इसके अलावा यहां पर नांदेड़ और नंदुरबार और जो आसपास के जिले हैं वहां पर लॉकडाउन लगाया जा चुका है। वहीं नागपुर और लातूर जिले में भी आंशिक लॉकडाउन यहां पर महाराष्ट्र के अंदर लगाया गया है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो IPL 2021 को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है सामने। BCCI का बड़ा ऐलान, T20 लीग के सभी खिलाड़ियों को लगेगा कोरोना का टीका। देश में कोरोना केस लगातार बढ़ रहे, ऐसे में IPL 2021 के आयोजन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच BCCI ने रविवार को बड़ा ऐलान किया है। बोर्ड के मुताबिक खिलाड़ियों को कोरोना का टीका लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से बात की जाएगी। वही T20 लीग की शुरुआत 9 अप्रैल को होने जा रही है। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच होगा। वही BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए मेरे हिसाब से सिर्फ टीकाकरण ही एकमात्र उपाय है। कोई नहीं जानता है कि कोरोना कब खत्म होगा और आप इसे लेकर कई समय सीमा यहाँ पर कोई समय सीमा कोई भी यहाँ पर तय नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण जरूरी है। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि खिलाड़ियों को टीका नहीं लगाया जाएगा, लेकिन बाद में यहाँ पर BCCI ने अपना फैसला बदला है। वही राजेश शुक्ला से पूछा गया कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय से टीकाकरण के लिए लिखित में कुछ कहा गया, तो उन्होंने कहा है कि बोर्ड इस पर विचार कर रहा है और निश्चित रूप से टीकाकरण के लिए मंत्रालय से संपर्क किया जाएगा। आपको बता दें कि टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज के दौरान कोरोना का यहाँ पर टीका लगवाया था। हालांकि खिलाड़ियों को लेकर अब ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर नहीं आई है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, तो आज से चलेगी 71 नई ट्रेनें। टिकट काउंटर गए बिना मोबाइल से बुक कर सकते हैं ट्रेन का टिकट। रेल यात्रियों की सुविधा में बढ़ोतरी करते हुए भारतीय रेलवे ने आज से 71 अनारक्षित ट्रेनें शुरू करने की बात यहां पर कही है। ये ट्रेनें यात्रियों के सुरक्षित और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करेगी। वही उत्तरी रेलवे मुरादाबाद और गाजियाबाद, कानपुर और गजरौला और वाराणसी, जलंधर और लुधियाना समेत कई रूट पर अनरिजर्व्ड ट्रेनें चलाएगी। वही कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच अगर इन अनारक्षित ट्रेनों में अगर आप सफर करना चाहते हैं तो आप टिकट काउंटर गए बिना अपने घर बैठे ही आप टिकट बुक कर सकते हैं। वही इसके अलावा रेलवे ने कल से यहां पर दिल्ली और सिकंदराबाद तेलंगाना के बीच स्पेशल राजधानी सुपरफास्ट ट्रेन शुरू की है। यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए भारतीय रेल द्वारा हजरत निजामुद्दीन दिल्ली और सिकंदराबाद के बीच साप्ताहिक राजधानी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन शुरू की है। आज से चलने वाली ये ट्रेन प्रत्येक रविवार से दिल्ली से और यहाँ पर बुधवार से सिकंदराबाद में ये सिकंदराबाद तक चलेगी। वही रेलवे ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि 71 वो नई ट्रेनें चला रहा है इसके लिए, और ट्वीट करके उन्होंने सभी ट्रेनों की यहाँ पर जो लिस्ट है वो यहाँ पर ट्वीट के माध्यम से रेलवे ने जारी की है। वहीं भारतीय रेलवे ने टिकट काउंटरों पर यात्रियों की भीड़ को बचाने के लिए UTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अब इस ऐप के जरिए अनारक्षित ट्रेनों का टिकट बुक किए जा सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉयड iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। सबसे पहले आपको मोबाइल में UTS ऐप डाउनलोड करना होगा। इसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर और ID कार्ड के नंबर आपको भरने होंगे। उसके बाद में आपको रजिस्टर करने के बाद में OTP आपके मोबाइल पर आएगा। अब आपका जो अकाउंट है वो साइन अप हो जाएगा। इसके बाद ID और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएंगे। इसके जरिए आप UTS पर लॉगिन कर सकते हैं और टिकट यहाँ पर बुक कर सकते हैं।